हेलो गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आज करेंगे हम अपना एक नहीं दो दो यूनिट ठीक है वन शॉट के अंदर यूनिट ट्वेल्व और यूनिट थर्टीन जैसा कि हमने बोला था प्रीवियस यूनिट के अंदर कि मैं आपको अब दो दो यूनिट कराऊंगी ठीक है क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट तो होती नहीं है और बीस पंद्रह मिनट की पूरी वीडियो के अंदर मुझे एक चैप्टर कवर कराना पड़ता है इससे अच्छा चालीस मिनट की तीस मिनट की एक वीडियो होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक है तो हम बात करते हैं किसका यूनिट ट्वेल्व का पब्लिक चॉइस अप्रोच ठीक है पहले हम यूनिट ट्वेल्व करेंगे देन इसके बाद कौन सा यूनिट करेंगे ठातीन ठीक है यूनिट ट्वेल्व बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच पब्लिक की क्या इच्छा है वो हमारी अप्रोच है पता नहीं कैसी कैसी अप्रोच दे रखी रह रखी है सच में मतलब बहुत बोरिंग है लिटरली सच में ही परेशान हो गई हूँ जब मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ पता है सुबह इसकी वीडियो बना के अरे यार क्या है मीनिंग ऑफ द पब्लिक अप्रोच क्या मतलब है इसका बेसिक फीचर्स की बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स है ठीक है किसके पब्लिक चॉइस अप्रोच को लेकर और कौन कौन इसको सपोर्ट करता है और क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन कौन से हमारे नेगेटिव पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं okay, ओके जी तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से पब्लिक चॉइस अप्रोच का मतलब क्या होता है अरे जनता क्या चाहती है जनता की क्या चॉइस है उसके ऊपर एक अप्रोच बना दिए जो कि हमको पढ़ाई जा रही है और हम पढ़ रहे हैं हाँ जी ठीक है भाई तो हम बुक बुकिस लैंग्वेज में देखें तो पब्लिक चॉइस चॉइस अप्रोच एक थियोरिटिकली फ्रेमवर्क है ठीक है एक मैथडोलॉजी है जो कि अप्लाई करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को किसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ठीक है जब आप किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हो या पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसीज को पढ़ते हो तो उसमें आप किस चीज को अप्लाई करते हो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो इसी को हम क्या बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या बोला मैंने कि जब कोई स्टडी करता है किसका पॉलिटिकल प्रोसेस का इंस्टीट्यूशन का पब्लिक पॉलिसीज का ठीक है स्टडी कर रहा है अच्छी बात है लेकिन जब वो अप्लाई कर रहा है उसके अंदर क्या इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स उसको हम बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच ठीक है ये एमर्ज कब हुआ था लेट नाइनटीन सिक्सटीज में हमारी ये अप्रोच एमर्ज होती है ठीक है एकदम से आती है कि देखो मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ ठीक है ये इतनी एग्जिस्ट होने लगी कि ये पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी ठीक है ये प्रोमिनेंस हो गई मतलब इसको इंपॉर्टेंस मिलने लगी कब से नाइनटीन सेवेंटीज में और इंपॉर्टेंस भी तो किसने दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ही तो हम इसको पढ़ रहे हैं इसके अंदर ठीक है अब नाइनटीन सेवेंटीज में इसको इंपॉर्टेंस मिलने लगी इसका सेंट्रल आइडिया है एनालाइज करना कि इसको सरकार को ठीक है पॉलिटिकल बिहेवियर को किस लेंस से इकोनॉमिक रेशनलिटी से और सेल्फ इंटरेस्ट से ये अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है ठीक है गवर्नमेंट को जब ये पढ़ती है पॉलिटिकल बिहेवियर को पढ़ती है तो उसके अंदर लेंस यूज करती है इकोनॉमिक ठीक है जी ओके तो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये एक वे है किसका गवर्नमेंट को देखने का ठीक है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है पॉलिटिक्स कैसे काम करती है ठीक है क्या यूज करती है इकोनॉमिक आइडियाज को ये आपको हमेशा लिखना है कि पब्लिक चॉइस अप्रोच इकोनॉमिक इकोनॉमिक आइडियाज को को यूज करती है तभी तो हम इसको पब्लिक चॉइस अप्रोच बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है? है जो ये अप्रोच है ये ट्राई करती है समझाने का कि कैसे जो पॉलिटिशिय ब्यूरोक्रेट्स है वो डिसीजन बनाती है लेकिन किसके बेस पे अपने खुद के इंटरेस्ट के बेस पर ठीक है क्यों क्योंकि वो दोबारा से रिलेक्ट हो सके उनको प्रमोशन मिल सके ठीक है पब्लिक चॉइस अप्रोच बोलती है कि गवर्नमेंट सबकी नीड्स को पूरा नहीं करती है जो जनता चाहती है ना तो सबकी नहीं सुनती है वो क्या करती है वो अपने खुद के लिए बात करती है वो हमेशा अपना खुद का इंटरेस्ट देखती है ठीक है तो उसके लिए क्या बनाई जाती है कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि क्या करती है पब्लिक्स को सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे कि स्कूल हो गया हेल्थ केयर हो गया और रोडवे वगैरह कुछ भी ले सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि हमारी सरकार पूरी नहीं कर पा रही है हमारी नीड्स को तो इसलिए कुछ कुछ केसेस में हम क्या करते हैं अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ठीक है इससे क्या होता है इससे चॉइस बहुत ज़्यादा आती है और कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा होता है ठीक है ओके okay. तो हम पब्लिक चॉइस अप्रोच के बेसिक फीचर्स की बात करते हैं किनका बात करते हैं बेसिक फीचर्स का पहला जो इसका बेसिक फीचर्स है वो है रेशनल चॉइस क्या है रेशनल चॉइस ये बोलता है कि जो पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वोटर्स होता है ठीक है, है जो वोट करता है स्टेक होल्डर जो अपना पैसा लगाता है ठीक है ये सभी के सभी जो डिसीजन बनाते हैं इन्हें अपने खुद के गेन के लिए बनाते हैं कभी भी कोई पॉलिटिशियंस अगर डिसीजन ले रहा है अब उसकी जान खतरे में वो डिसीजन ले लेगा नहीं कहीं उसका लॉस हो रहा है उसमें ठीक है उसका खुद का पर्सनल लॉस हो रहा है और वो देश के लिए कुछ ऐसा डिसीजन बना देगा नहीं वो हमेशा पहले अपने आप को रख कर देखता है ठीक है वो अपने खुद के गेन की बात करता है कि मैं कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूं मैं कैसे अपना गेन कर सकता हूँ ठीक है ना कि कोई जनता के लिए सोचता है ठीक है ये कौन बोलता है ये हमारा रेशनल चॉइस बोलता है ठीक है ना कि वो किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के 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 करते हैं। ना कि वो के के पब्लिक हो गया इंडिविजुअलिज्म ठीक है, है, है? यहां पे बोला जाता है कि जो बेसिक यूनिट होता है ठीक है किसी भी यूनिट को एनालाइज करने का ठीक है किसी भी ग्रुप को पढ़ना किसी भी सोसाइटी को पढ़ना तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है इंडिविजुअल क्योंकि एक एक इंसान से ही तो एक ग्रुप बनता है एक इंसान को मिलाकर ही पूरी एक सोसाइटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन बनता है ठीक है तो ये बोलते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना वो इंडिविजुअल लेवल पर होना चाहिए ठीक है ना कि ग्रुप लेवल पर ठीक है अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वहां पे इंडिविजुअल को लेकर आओ ना कि ग्रुप की सुनो एक इंसान क्या चाह रहा है उसकी सुनो ठीक है ये बोलता है हमारा सेकंड फीचर ठीक है थर्ड है आपका पॉलिटिकल एक्सचेंज ये इंपॉर्टेंट देता है पॉलिटिकल प्रोसेस को कि नेगोशिएशन होना चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पे क्या हो सके कुछ कुछ आउटकम्स निकल कर आ सके ठीक है ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से क्या है एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है बारगेनिंग है जहां पे हम क्या करते हैं इंडिविजुअल पब्लिक स्पेयर में क्या करता है बारगेनिंग करता है ठीक है वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए बात करता है ठीक है तो ये हमारा पॉलिटिक्स एज एक्सचेंज हो गया तो तीन बेसिक फीचर्स की बात करी पहले रेशनलिटी मैथोडोलॉजी इंडिविजुअल और पॉलिटिकल एक्सचेंज ठीक है अब हम बात करते हैं की फीचर्स की पहला जो की फीचर्स है वो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस होते हैं मेनली वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आते हैं ना कि वो पब्लिक के गुड के लिए आते हैं ठीक है ये कहने वाली बात है कि हम जनता के लिए काम करते हैं हम इतना करते हैं हम वो करते हैं यार सबको पता है कौन क्या करता है कौन घोटालाबाजी करता है ठीक है सिंपल शब्दों में जो पब्लिक वेराइटीज अरेंजमेंट होनी चाहिए ठीक है जो कि लोगों तक पब्लिक तक अलग अलग तरह के गुड सर्विसेज वेरायटीज ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड की जा सके ठीक है लोगों को मतलब एक तरीके से वेराइटीज में मिल सके उनके पास बहुत सारी क्या होनी चाहिए चॉइसेस होनी चाहिए ठीक है ये बिलीव करती है कि ऐसी चॉइस करो जो कि सिटीजन्स को कंपटीशन बढ़ाए अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर आए सामने प्राइवेट सेक्टर में से बड़े से बड़े दूर आए ठीक है जहां पे कंपटीशन बढ़े ठीक है ठीक है और जो गवर्नमेंट की जो मोनोलॉपी है उसको रिड्यूस किया जाए ठीक है भाई एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक ये क्या बोलता है बोलता है कि इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स है ठीक है पब्लिक सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब देखो क्या होता है पब्लिक सर्विस क्या होता है सिंपली सब तक एजुकेशन uh, प्रोवाइड करना ये भी एक पब्लिक सर्विस है कि गवर्नमेंट का एक वो है ड्यूटी है कि सभी तक मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सभी तक क्या पहुंचाना एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हमारी फंडामेंटल राइट right है ठीक है गवर्नमेंट नई नई तरीके की नीति वगैरह बनाती रहती है बहुत बढ़िया है ठीक है नई नई लॉस लेकर आती रहती है पॉलिसीज बना बनाती रहती है तो अगर हर एक बच्चे तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है ठीक है तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को एनालाइज करे देखें सर्वे कराएं कि कहां कहां तक बच्चे पढ़ पा रहे हैं कहां तक क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और क्यों नहीं जा पा रहे उसके लिए एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा तो इकोनॉमिक आ गया ना तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तभी आप क्या कर सकते हो अच्छे से पब्लिक सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ठीक है Okay, decentralized and plural participation.

प्राइवेटाइजेशन की बात करती है बोलती कि सरकार को ही इतना पावर मत दो सरकार के ऊपर ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए कि लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ठीक है इससे क्या होगा जो इन मतलब जो गवर्नमेंट अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही तो प्राइवेट सेक्टर आएगा सामने ठीक है वो इफेक्टिवली काम करेगा ठीक है तो यहाँ पे ये यह बोलता है

फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है जो पॉलिटिक्स है ना वो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है ठीक है तुम एक इंडिविजुअल के लेंस से उसको नहीं देख सकते हो ठीक है वो पूरी पब्लिक का है ठीक है अगर कल को कोई भी लॉ वगैरह बनना चाहिए तो वो कोई इंसान की मनमानी से नहीं बनना चाहिए जनता क्या चाहती है जनता का सुनो ना ठीक है तो ये बोला जाता है पे ची गैग हो स्कूल ऑफ द पब्लिक चॉइस ये एक जगह का नाम है मेनली तो यहाँ पे हमारे कौन कौन थे मिल्टन फ्रीडमैन और रोबोट ठीक है रॉबर्ट लुकास ये क्या करते हैं बोलते हैं कि देखो जो ये ओरिजिनेट हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी से चिकागो से यहीं से ये स्कूल ऑफ थॉट क्या हुआ है ओरिजिनेट हुआ है ये प्राइमली फोकस करते हैं कि इसके ऊपर रेगुलेट किया जाना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडस्ट्रीज के अंदर ठीक है मतलब इंडस्ट्रीज को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर रेगुलेट किया जाना चाहिए रेगुलेशन होना चाहिए ठीक है ठीक है ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं एक तरीके से ठीक है तो थ्योरी ऑफ रेगुलेशन लेकर आते हैं तो सिंपल क्या है पहला रोशक है जो किसकी बात करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की सुनो सेकंड उसके बाद जो कि किसकी बात करता है रेगुलेशन की बात करता है ठीक है ओके इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां पर रेगुलेशन होना चाहिए वहां पर देखना चाहिए चीजें अच्छे से तो रेगुलेट हो रही है नहीं हो रही है कहीं गड़बड़ घोटाला वगैरह तो नहीं हो रहा है ये सारी चीजें देखनी पड़ती है ठीक है धन इसके बाद हम सपोर्टर्स की बात करते हैं कौन कौन सपोर्ट करता है पहले गौदन तौलब क्या बोलते हैं बोलते हैं कि जो पीपल्स है पॉलिटिक्स के अंदर वो अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं सिंपल सी बात है हमको भी पता है कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए बात करते हैं ठीक है तो यहीं पे एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको रेंट सीकिंग बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं रेंट सीकिंग मेनली जो पॉलिटिशियंस है वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए लेके आए और सभी के सभी बेस्टफुल है ठीक है ओके okay. दिन इसके बाद ऑस्ट्रोम क्या बोलते हैं ऑस्ट्रोम लीन करते हैं कि जो डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए ठीक है मतलब जनता क्या चाहती है लोग क्या चाहती है वो होना चाहिए ठीक है क्या लोग क्या चाहते हैं वो होना चाहिए ना कि एक इंडिविजुअल के लिए सिंपल सा जैम्स बुचानन क्या बोलते हैं बोलते हैं कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पीपल्स ठीक है जितने भी हमारे पॉलिटिक्स के लोग हैं लीडर्स वगैरह सभी आए और लोग आए ठीक है वो क्या करे सभी के सभी अपने खुद के बेनिफिट के लिए आते हैं ठीक है और वो एक बिजनेस प्ले करते हैं ठीक है वो एक बिजनेस करते हैं तो इसी को ये बोलते हैं किसका पॉलिटिक्स एज एक्सचेंज ठीक है सिंपल सा आगे भी बताया कि अपने खुद के लिए बेनिफिट के लिए बात करते हैं ठीक है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जितने भी हमारे लोग काम करते हैं गवर्नमेंट के सर्विसेज के अंदर सर्विस क्या बोल रहे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के अंदर वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखता है सिंपला ठीक है सिंपला बोल रही हूँ सिंपल ठीक है विलम निश आ, विलम निष्कान ये क्या बोलते हैं बोलते हैं कि देखो कैसे जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको वर्क करना चाहिए अच्छे से काम करना चाहिए बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स को आ, बड़े बड़े जो बजट है ठीक है उनके पास बड़े बड़े बजट होते हैं उनके पास पावर होती है हाँ जी वो बोलते हैं कि अब इतने ज्यादा उनके पास बजट होता है इतना पावर होता है तो करप्शन तो होगा ही नहीं होगा होगा तो हमको चेक करना चाहिए कंट्रोल करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ठीक है अब इससे क्या होगा इससे होगा कॉम्पिटिशन ठीक है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जब तुम चीजों को एकदम से रेगुलेट करके रखोगे चेक करते रहोगे कोई हमारा ब्यूरोक्रेट्स नहीं है कोई ऐसा घोटालाबाजी नहीं कर रहा है तो अच्छे से चीजें चलने लगेंगी ठीक है देन इसके बाद पैट्रिक पैटली क्या बोलते हैं बोलते हैं कि देखो जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका एम हो ये बोलते हैं कि हाउ ब्यूरोक्रेट्स एम टू तो मैक्सिमाइज देर स्टेटस वो बोलते हैं कि कैसे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अपने एम को मैक्सिमाइज कर सकती है ठीक है क्या करके अपने स्टेटस को मैक्सिमाइज कर सकती है कैसे एडवाइसिंग कर सके करके पॉलिटिशियंस का ठीक है इसको आप छोड़ भी सकते हो बेकार सर तो एक दो तो आपको पॉइंट याद रखे भाई बहुत बकवास है रियली बहुत बकवास है चैप्टर आपको एक बार पी वाई क्यों देखना है इस चैप्टर में सिंपल आपको पी वाई क्यों करना है कुछ काम का तो मुझे लग नहीं रहा दर इसके बाद हम गुड पॉइंट और बैड पॉइंट्स की बात करते हैं तो अच्छी चीज़ें क्या है अच्छी चीज़ें एफिशिएंसी की बात करता है कि एफिशिएंसी होना चाहिए रेगुलेटिंग करना चाहिए मनी को सेव करने की बात करता है यूज़ को जो रिसोर्सेज उनको बैटरली यूज़ करना चाहिए इन सब की हम बात करते हैं इसमोली ब्यूरोट्स की बात करते हैं बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन बनाई छोटी छोटी जो अच्छे से काम कर पाए तुमने एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया बहुत बड़ी लेकिन वो काम भी तो अपर लेवल पर कर रही है नीचे तो घोटाला हुआ पड़ा है ना जब तक तुम रूट पर काम नहीं करोगे तो कैसे कैसे डेमोक्रेसी कंपटीशन की बात करती है, की करती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस होनी चाहिए सर्विसेज होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा ठीक है कंपटीशन होना चाहिए उसकी हमारी कौन बात करता है पब्लिक चॉइस अप्रोच ओके प्रॉब्लम की बात करें तो पब्लिक को भूल जाती है इन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल जो भी पॉलिटिक्स के अंदर आता है वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बात करते तो जनता कहाँ पे गई भाई पॉलिटिक्स है क्या जनता है पब्लिक चॉइस अप्रोच है क्या पब्लिक पब्लिक सर्विस पब्लिक की बात कर रहा है ना कि एक इंसान की इनवालिटी इनक्वालिटी है ठीक है हर किसी को ये हेल्प नहीं करता है वो लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करता है ठीक है तो एक्स्ट्रा हेल्प की बहुत ज़रूरत है ठीक है और डेवलपिंग कंट्री में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये पी सी ए बोलते यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता ठीक है ये हेल्थ केयर एजुकेशन ये बिजनेस वाले कहाँ से प्रोवाइड कर देंगे कभी कोई बिजनेस वाला देखा है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है वो भी फ्री में नहीं भाई सिंपल सा है मोनोलॉपी है गवर्नमेंट की है इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी चलो तुमने बोला पीसीए ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए हां ले जाएंगे लेकिन बड़ी कंपनी तो अपनी मोनोलॉपी वही तो पावर बना के रखेगी ठीक है तो काहे की जो रेगुलर पीपल्स है उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है चल किसकी रही है बड़ी बड़ी कंपनी की बोलते हैं कि नहीं बेकार है ठीक है तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है बहुत ही इजी था लेकिन बहुत ही घटिया चैप्टर था ठीक है तो पी क्या होता है इसका देखना बेसिक फीचर देखना स्कूल ऑफ थाट को छोड़ देना परमानेंट को भी छोड़ देना और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेना ठीक है ओके यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच क्या है ठीक है और अप्रोचेस देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे और क्रिटिसिजम देखेंगे ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट अरे जनता का क्या इंटरेस्ट है जनता क्या चाहती है ठीक है वहां पे हमने चॉइस की बात करी थी लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते हैं ठीक है आप चाहते हो आप ये चीज़ चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है लेकिन आपका इंटरेस्ट है ठीक है वो इंटरेस्ट की बात होती है जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का ये बहुत पुराना है ये नया नहीं है ठीक है पब्लिक चॉइस की तरह 1960s में नहीं आया है नहीं ये बहुत पुराना है ये इंशियन सोसाइटीज में था भी ठीक है इट्स अबाउट ये बात करता है कि डिसीजंस जो होते हैं वो कैसे पूरी कॉम्युनिटी को बेनिफिट दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे किसी एक सिंगल कॉम्युनिटी की बात नहीं की जा रही यहाँ पे पूरी सोसाइटी की बात की जा रही है अगर हम एंशियंट टाइम में बात करें जैसे प्रशिया बहुत फिलासफर हुआ करते थे पहले जैसे प्लेटो एरिस्टोटेल ये बिलीव करते हैं कि रूलर्स जो होते हैं उनको फोकस करना चाहिए कि कैसे वो जितने भी वहाँ पे जनता रह रही है उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं ठीक है क्या बोला प्लेटो और एरिस्टोटेल बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए हर एक इंसान के ऊपर ना कि एक इंसान के ऊपर ठीक है हर एक इंसान के ऊपर फोकस करना चाहिए जितने भी लोग हैं उनकी जितने भी लोग हैं उनकी नीड्स को पूरा करना चाहिए अगर हम इंडिया की बात करें तो कोतलिया एंड त्रिव त्रिवलुर एक बार इसका नाम देख लेना तिरुवल्लावुर त्रिवल्लावर ठीक है ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए ठीक है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो ओवर अ टाइम अगर हम बात करें इंडस्ट्री रेवल्यूशन आया बहुत बढ़िया यहाँ पे हमारा पहले पब्लिक की बात की जाती थी लेकिन जो फोकस था वो शिफ्ट हो जाता है एक, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए क्योंकि यहाँ पे आ जाता है कैपिटलिज्म ठीक है यहाँ पे क्या आ गया कैपिटलिज्म आ गया यहाँ पे फोकस देने लगे अब लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ना कि पूरी जनता के लिए ना कि पूरी सोसाइटी के लिए ठीक है अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट का आइडिया है वो चेंज होने लगा है ठीक है सम टाइम जो इसके प्रिंसिपल है वो इंक्लूड किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर वहाँ पे एम होता है कि कैसे गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम कर सकती है कैसे हम गवर्नमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं ठीक है जो ये टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है सिंपल मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब है लोगों की, की, इस सभी की, सभी के के की भलाई के लिए सोचना पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना कॉमन गुड लोग क्या चाहते हैं कॉमन क्या है जो सब चाहते हैं उसकी बात करता है ठीक है यहाँ पे किसी सिंगल के लिए बात नहीं की जा रही यहाँ पे पूरे पब्लिक के लिए बात की जा रही पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की जा रही है ठीक है जो डेफिनेशन है मेनली वो हैप्पीनेस की बात करती है कि लोगों ज्यादा लोग किस में खुश है ठीक है लोगों का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं ठीक है ये हर एक इंसान के ऊपर फोकस करती है जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है ठीक है ना कि एक इंडिविजुअल के ऊपर तो ये होता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट समझ में आया समझाने की तो चीज नहीं थी वैसे सिंपल सा था ओके okay. अप्रोचेस की बात करें तो पहला है बुलटानिस्ट कुछ लोग बोलते हैं कि देर इज नो सच ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट वो बोलते हैं कोई चीज़ नहीं है भाई पब्लिक इंटरेस्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है वो बोलते है नहीं है और इसको डिफाइन करना और इसको अचीव करना तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है वो बोलते हैं कि हर एक चीज जो भी होता है ना वो एक इंडिविजुअल प्राइवेट के इंटरेस्ट के लिए होता है तुम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में ठीक है कोई भी है मैं अपना तो नहीं लेना चाहूंगी मैं तो अपने बारे में सोचती भी नहीं हूँ भाई देखो जो भी लोग हैं ठीक है वो किसके लिए सोचते हैं पहले अपने लिए सोचते हैं ठीक है फिर वो दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं ठीक है लेकिन हम ऐसा नहीं है ठीक है है भाई भाई तो ये बोला कि जो है, है कि जो अप्रोच बोलते हैं देखो भाई, ऐसे कोई चीज नहीं है ना मैं डिफाइन कर सकता ना मैं अचीव कर सकता है बिलीव करते हैं हर एक चीज इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरेस्ट से चलती है नॉर्मेटिव थ्योरी क्या बोलती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोलती है कि देखो जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो एक सोचने का नजरिया है ठीक है एज अ वे ऑफ डिसाइड ठीक है ये एक वे है डिसाइड करने का कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो अच्छी है बेकार है ठीक है इन्होंने क्या बोला जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये क्या है ये एक वे है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है या बेकार ठीक है ये कंपेयर करता है कि पॉलिसी जो पॉलिसी बनाई गई है वो कितने लोगों को बेनिफिट कर रही है वो पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट कर रही है यह प्राइवेट को कर रही है किसी एक इंडिविजुअल को कर रही है ठीक है अगर वो किसी एक को कर रही है किसी एक कॉम्युनिटी को कर रही है तो वो बेकार हुई लेकिन वो पूरी सोसाइटी को कर रही है तो वो अच्छी हुई ठीक है ये नॉर्मेटिव वाले ने बोला और इन्होंने तो पूरा मतलब कहते हैं ना खत्म ही कर दिया ठीक है बोला अरे भाई ये कुछ नहीं होता ठीक है क्यों नहीं होता देन इसके बाद एंड अनकम्युनिटेरियन अप्रोच ये फोकस करती है वट मोस्ट पीपल एग्री कि मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं ठीक है मेजोरिटी लोगों के लिए क्या चाहिए अच्छा रहेगा ठीक है ये मेजोरिटी की बात करते हैं ठीक है लोग ज्यादा लोग क्या चाहते हैं जो पॉलिसीज होती है शुड हेल्प द मोस्ट पीपल वो सभी लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करनी चाहिए ना कि किसी एक को ना कि एक सिंगल कॉम्युनिटी को ठीक है वो सभी की राइट्स को प्रोटेक्ट करे ठीक है इसमें ये राजी होते हैं कौन हमारे कॉम्युनिटेरियन वाले प्रोसेस थ्योरी क्या है प्रोसेस थ्योरी डिसाइड करती है तीन टाइप्स में ठीक है ये बोलती है फिगर आउट करती है पॉलिटिक पब्लिक इंटरेस्ट को कि कैसे जो डिसीजन है वो बनाए जाते हैं मेनली तीन टाइप का पहला होता है एग्रीगेटिव एग्रीगेटिव बोलता है कि देखो जो भी डिसीजन बनाया जाता है ना वो पावरफुल पीपल्स बनाते हैं ठीक है अगर कोई भी डिसीजन बन रहा है हमारी लोकसभा राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ठीक है मतलब जो पावरफुल लोग है वो क्या चाहते हैं उसमें उसकी चलेगी

उनका डिसीजन मेकिंग में हाथ होना चाहिए उनके इंटरेस्ट की बात की जानी चाहिए ठीक है मॉडल क्या बोलता है कि देखो सबकी सुनो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो अपनी पॉलिसी के अंदर प्रोसीजर क्या बोलता है कि देखो एक को करो दो को करो लेकिन तुम्हारा जो डिसीजन होना चाहिए फेयर होना चाहिए अनबाइस्ड होना चाहिए ठीक है ये हुई हमारा तीसरा मॉडल ठीक है।, है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं जो तो डेमोक्रेसी भाई डेमोक्रेसी को लेकर आओ ठीक है अभी के करंट इश्यूज को जो पब्लिक इंटरेस्ट है उससे मिला रहे हम ठीक है जो करंट अभी के जो पब्लिक इंटरेस्ट है मतलब जो जनता चाहती है वो कौन कौन से उनकी बात करते हैं पहले डेमोक्रेसी हर कोई आना चाहिए पॉलिसी अगर तुम बना रहे हो हर एक कोई इंसान वोट कर रहा है तुमको सभी की सुनो ना है ना हर किसी को डिसीजन में लेकर आओ क्योंकि डिसीजन जो होगा गवर्नमेंट को सभी को इफेक्ट करने वाला है भाई तो सबकी आनी चाहिए ठीक है म्यूचुअलिटी एंड सिविक्स इंटरेस्ट ये फोकस करता है कि कैसे जो वन पर्सन है वो क्या चाहता है ठीक है ठीक है ये फोकस करता है जस्ट ऑन वट पर्सन वांट वी व्हाट गुड्स फॉर होल सोसाइटी कि एक इंसान क्या, क्या, क्या? क्या चाहता है और एक पूरी सोसाइटी क्या चाहती है ठीक है क्या एक इंसान क्या चाहता है और एक पूरी सोसाइटी क्या चाहती है जैसे कि एक बहुत बड़ा डैम बनता है कुछ लोग वहां से डिस्प्लेस होते हैं ठीक है कुछ लोग वहां से डिस्प्लेस होते हैं लेकिन डैम बन रहा है भाई किसके लिए बन रहा है लोगों के लिए बन रहा है ना जनता के लिए बन रहा है सरकार तो बैठ के डैम में से पानी पिएगी नहीं अपने घर के लिए तो थोड़ी नहीं बना रही कि उसके ऊपर घर बनाऊंगी मैं अपना नहीं वो सभी के लिए बनाया जा रहा है ना पूरी जनता के लिए तो बेनिफिट तो सभी को हो रहा है ठीक है वहां पर ज्यादा जनता चाहती है पब्लिक चाहती है कि डैम बनना चाहिए लेकिन कुछ लोगों को वहां से डिस्प्ले होना पड़ रहा है ठीक है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है नहीं ज्यादा जनता ही चाहती है एथिकल कंसीडर वो बोलते हैं ये वेन डिसीजन तब भी कोई डिसाइडिंग करना चाहिए क्या बेस्ट है सभी के लिए ये एथिकली इंपॉर्टेंट देते हैं ठीक है, है? मॉरल राइट्स की बात करते हैं फेयरनेस की बात करते हैं ठीक है, है? इजी ये बोलते हैं कि देखो इजिएस्ट ऑप्शन मत लो फेयर होना चाहिए तुम्हारा ठीक है जो भी तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए तो ये हुए हमारे तीन ऐसे जो करंट है ठीक है ये तीन करंट पब्लिक इंटरेस्ट है ठीक है अभी के जो जनता का इंटरेस्ट है वो ये है पहला डेमोक्रेसी दूसरा है सिविक्स इंटरेस्ट ठीक है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक है एथिकली मतलब तुम फेयर बनाओ राइट बनाओ मोरल बनाओ चलेगा ठीक है फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो पहला सस्टेनेबिलिटी भाई तुम आज की जनता के लिए पूरा कर रहे हो आज की सरकार आज की जनता की नीड्स को पूरा कर रही है लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए पानी ना बचेगा तो क्या करोगे है ना तुम तो अभी कॉल इतना पेट्रोल दिए जा रहे हो फ्री का कम करे जा रहे हो ठीक है बिजली पे बिजली बनाए जा रहे हो लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए वो भी नहीं बचा दो तो सस्टेन करना चाहिए ठीक है आने वाली फ्यूचर पब्लिक का भी इंटरेस्ट देखो ना ठीक है जो आज के कल्चर है हिस्टोरिकली आर्टिस्ट हिंग उनको भी प्रिजर्व करो ठीक है वो लोग भी तो देखे हमारा कल्चर कैसे हुआ करता था ठीक है हिस्ट्री को भूलते जा रहे हो नहीं जितनी भी वैल्यूबल चीजें हमारी सिविलाइजेशन की सभी को इंजॉय करने दो ना जो आने वाली है सभी के लिए बचा के रखो तो ये है फ्यूचर का ठीक है ये फ्यूचर के पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है ठीक है ऐसी पॉलिसी बनाओ जहां पे आप ज़्यादा से ज्यादा चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हो लेकिन जो ये पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच है इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है पहला कंफ्यूजिंग बोलते हैं कि देखो ये बहुत ही अनक्लियर है इसको समझना बहुत ही ज्यादा हार्ड है वो तो हमको पता ही चल रहा है ठीक है कि देखो, भी नहीं करा गया इस चीज को सेल्फिश है ये फोकस कर रहा है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर ना कि पूरी कॉम्युनिटी के लिए डिस्ट्रेस बोलते गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिटिशियंस वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं ना कि पब्लिक के लिए तो ये क्या है यहाँ पे कौन जनता ट्रस्ट करेगी अगर कोई सरकार ऐसी बन रही है कि वो अपने लिए करे जा रही है अपनी जनरेशन के लिए बन जमाए जा रही है कि हाँ मेरा पोते से पड़ पोता पोता उसको भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इतना अपने घर में भर दूंगा पैसा तो सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला ठीक है हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लीडर्स है देखे हुए हैं हमने तो ठीक है कोई उनको आने ही नहीं देगा पता है सबको क्या कर रहे हो वो लोग ठीक है नो एग्रीमेंट पीपल्स कैन नॉट एग्री अगर लोग एग्री नहीं रहेंगे कि एग्जैक्टली पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है तो इससे क्या होगा कंफ्यूजन होगा जब लोगों को यही नहीं पता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है ठीक है तो काहे काहेगा का का तुमने ये अप्रोच बना दिया बहुत ही आइडलिस्ट है ठीक है रियल वर्ल्ड से मैच नहीं होती ये चीजें रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं चलता है ठीक है तो इसका ये बोला गया है तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ में आया होगा कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत तो बताना मेरे को ठीक है वैसे तो ईजी सा था इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है आपके दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ते हैं लेकिन इतना मत दौड़ाना अगर आगे के चैप्टर अच्छे से करते हो क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इतने थिंकर्स के नाम दिए तो इतने थिंकर्स के नाम आपको याद करने, नहीं करने रटने नहीं है चीजों को बस समझो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या होता है बेसिक फीचर क्या होता है और इसको कौन कौन एक दो नाम याद रख लो ज्यादा नहीं एक दो नाम ठीक है कभी काम आ जाएगा ठीक है चलते फिरते <laughs> देन इसके बाद क्या पॉजिटिव है नेगेटिव और दूसरा वाला सेम वो पूरा ही वो ही था ठीक है तो वो तो इजी था उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ में आया होगा कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लेना मेरे से कल हम करते हैं फोर्टीन और फिफ्टीन चैप्टर का पूरा वन शॉट ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के सो बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए ऐसे ही पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे ठीक है और क्या बोलूं मैं और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से ले लेना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो पकाऊ पकाऊपंक्ति होती है यहीं पर खत्म बाय टेक केयर